हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है दक्ष कार्की। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह हो गई, नहा धोके तो पूरा रेडी हो गया हूँ और अभी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ टीवी यहाँ पर। और बाकी तो खैर, आज का आउटफिट ये है मेरा, नीचे से मैंने आज ही पहन रखा है और बस कुछ नहीं। आज मेरी छुट्टी है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और अभी मेरे म्यूजिक वाले सर भी आने वाले हैं। ये तो बस तो खुश नहीं, अभी तुम दो म्यूजिक वाले सर आने वाले, तब तक मैं टीवी देखता हूँ। म्यूजिक क्लास करने के बाद फिर आ जाऊँगा मम्मी और मेरे को, कुछ रील भी बनानी जो पापा का नया घर, जो हमारा नया घर आर्क है वही वाले में। और बाकी तो खैर कुछ नहीं, मतलब जब तक ये व्लॉग आएगा तब तक तो कुछ काट रहा होगा गाना। मैं सोच क्या हुआ है, रिमोट की गया, चलो कोई बात नहीं। तब तक मैं चलो फिर, अभी तो बस मैं यहीं पर लेट के टीवी देखता हूँ, दूध भी मैंने यहीं पिया था। ठीक कहते हैं इसको, ठीक। बस चलो टीवी। हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हो आप सब लोग अपने घर में सकुशल होंगे, हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं काफ़ी लेट करूं, 12:30 हो गए हैं। मैंने सोचा मैं नहा के फ्री हो जाती हूं और खाने की प्रिपरेशन कर लेती हूं, उसके बाद ही आप लोगों से मिलूंगी। क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ दक्ष के लिए बिरयानी या पुलाव, जो भी आप कहेंगे, तो मैंने उसकी प्रिपरेशन भी यहाँ पर कर ली है। यहाँ पर शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर और न्यूट्रेला मैंने भिगा के रख दिया है। इसमें मैं आलू भी डालूंगी, बाकी मटर और बीन्स मेरे पास नहीं है। तो आज छुट्टी भी थी दक्ष की और सिंपल सा, मतलब ऐसे कुछ दाल चावल खाने का कुछ मन नहीं कर रहा था, नॉर्मल सा सिंपल सा खाना खाने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा यही बना लेते हैं। बस इसके लिए दही नहीं है हमारे पास, अगर अभी शॉप खुली होगी तो दक्ष दही ले आएगा, अदरवाइज दुकान इस टाइम पर बंद हो जाती है। और मैं घर के काम कर रही थी और वो अपनी म्यूजिक की क्लास कर रहा था दक्ष, इसीलिए नहीं जा पाया दुकान में। तो ये सब रहा, सुबह उठ गए थे हम लोग आज 10 बजे, हम लोग काफ़ी लेट उठे, उसके बाद घर के काम वाम करने में टाइम तो निकल जाता है, आप लोगों को पता ही है। धूप खिली हुई है बहुत ज़्यादा, लेकिन गर्मी उतनी की उतनी हो रही है। अभी जस्ट मैंने आप लोगों से बात करने के लिए ही मैंने पंखा जो है ऑफ किया है, वरना पंखा हमारा चल ही रहा था। दक्ष दूसरे वाले रूम में है, वो कर रहा है अपनी पढ़ाई। हाँ, अभी तक वो म्यूजिक की क्लास कर रहा था, अब वो पढ़ाई कर रहा है, उसके म्यूजिक वाले सर चले गए हैं। तो फटाफट से मैं जो है पुलाव बिरयानी जो भी बना लेती हूँ, बहुत शॉर्ट में आप लोगों को दिखाऊंगी, समझ में आएगा तो ठीक है। डिटेल में वीडियो बनाने के लिए अभी कभी जब बहुत सारा सामान होगा उसके लिए, बहुत सारे वेजिटेबल्स होंगे तो बनाऊंगी। अभी तो सिंपल जो घर में है उसी में बना रही हूँ मैं, एक आलू भी उसमें ऐड करूंगी बस, ज़्यादा कुछ नहीं। तो इसमें लग जाती हूँ फटाफट से, आधे घंटे में ये भी बन जाएगा, उसके बाद फिर आराम से डिनर करेंगे, डिनर नहीं लंच करेंगे अपना, पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, अभी बन लग जाती है इसको। चलिए मित्रों स्टार्ट करते हैं मेरे तरीके का पुलाव बनाना। सबसे पहले न्यूट्रेला मैंने भिगा के रखे थे, तो इनको जो ना मैं थोड़ा सा भून लूंगी 2-3 मिनट के लिए, फिर इनको निकाल के साइड में रख दूंगी। उसके बाद मैं तेल में वो डाल दूंगी, जीरा, हींग, बड़ी इलायची, लौंग वगैरह, इससे चावल ना बहुत अच्छे से खिल के आ जाते हैं। और सारे वेजिटेबल जो है ना सब एक साथ कट करके इसमें डाल दूंगी, प्याज अलग से, टमाटर अलग से भून के नहीं डालूंगी, सब एक साथ डाल के मिक्स कर दूंगी। और जो हमारे इंडियन मसाले होते हैं ना, हल्दी, नमक, मिर्च पाउडर, सब कुछ इसमें डाल देंगे, नमक भी डाल देंगे, सारी चीज़ें डाल के फिर इनको मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें न्यूट्रेला डालेंगे, उसको भी इसमें मिक्स करके फिर ना थोड़ी देर के लिए ढक्कन रख देंगे ताकि ये सब ना सॉफ्ट हो जाए, मतलब टमाटर जो है ना वो गल जाए। 2-4 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे इसको, उसके बाद टमाटर सारे के सारे गल जाएंगे। सीटी हटा दी थी मैंने कि कहीं ढक्कन लग जाएगा करके, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने चावल धो के रखे थे, वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं और इनको देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया। ऊपर से मैंने बिरयानी मसाला जो होता है ना वो भी डाल दिया है, आप डालो चाहे ना डालो, बट जो है इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, देखिए कितना सुंदर कलर आ गया। उसके बाद इसमें पानी डाल देंगे, जितना चावल बनाने के लिए आप लोग पानी डालते हैं उतना ही पानी डालेंगे, 3-4 सीटी के बाद जो है हमारे पुलाव बनके रेडी हो जाएंगे। तो ये मेरा तरीका था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा, आप लोग भी बनाएं। तो ये थी मेरी पुलाव या बिरयानी जो भी बोलेंगे उसकी रेसिपी। मैंने वॉइस इफेक्ट इसलिए दिया क्योंकि चिमनी, एग्जॉस्ट वगैरह सब कुछ ऑन होता है तो बहुत ज़्यादा वॉइस आता है, जिसमें मैं बोल नहीं सकती हूँ आप लोगों को, इसलिए मैंने अलग से अपना वॉइस नोट डाल दिया। अब उसमें 2-3 सीटी हम लोग करीबन लगाएंगे मीडियम फ्लेम में और पक जाएगी 10 से 15 मिनट में। सब्जियाँ सब सिंपल हैं, प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च जो बहुत जल्दी पक जाते हैं, और उनको मैंने थोड़ा सा ढक्कन लगा के वैसे भी पका दिया है। तो ये सब है, अब थोड़ा सा बैठ जाती हूँ, किचन साफ़ करती हूँ पहले। तो ये रहा हमारा पुलाव, तो ये रहा हमारा टेस्टी पुलाव, थाली में मैं डाल रही हूँ, ये देखिए। अब बस इसको टेस्ट करके बताएगा कि कैसा बना है, खा के बताओ, ले लो चम्मच खाओ, नमक वगैरह सब कुछ। गरम गरम ही खाओ फिर, गरम गरम ही तो खाते हैं, फूंक मार के उड़ा मत देना इधर सब।
इसके साथ अचार वगैरह कुछ दूँ? अचार, घी कुछ चाहिए? घी डाल दूँ? चलो जाओ डाइनिंग टेबल पे जाओ, मैं घी लेके आती हूँ। तो दक्ष ने जैसा कि फैसला लिया था कि वो डाइनिंग टेबल में खाएगा, अभी नहीं खा रहा, खाओ ना, लो फिर इसको लेके तो जाओ। तो दक्ष खाएगा यहाँ पर डाइनिंग टेबल में बैठ के खाना, मैं घी लेके आती हूँ। दक्ष यहाँ पे डाल दिया मैंने इसके लिए घी, आराम से बैठ के खाएगा, इंजॉय करना। हाँ मैं भी खा लेती हूँ, चल तू खा, मैं भी खाती हूँ, ठीक है। अभी हम दोनों छत में जा रहे हैं रील बनाने के लिए, दक्ष पूरा एकदम रेडी है, टाइट कपड़े, क्या तेरे से छोटे बच्चे के कपड़े थोड़ी बनाए, तेरे कपड़े ये अभी एक महीने पहले वाले। चलो फटाफट चलो देखते हैं रील कैसी बनती है। आप लोगों ने तो देख ली होगी पहले ही, ब्लॉग बाद में आएगा, क्योंकि ये छत में इतनी धूप में जा रहे हैं, इतनी मेहनत, इतना तैयार हुआ है मेरा बेटा, देखो कितनी धूप आ रही है, हाँ बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, अब भी पहुँच जाएगी थोड़ी देर में। चलो ऊपर वाले छत में चले ना, ऊपर वाली छत में जाते हैं। आ गए हम लोग छत से नीचे, और इतना दिमाग ख़राब हुआ ना, मतलब रील बनाने में आप लोगों को क्या बताऊँ। रील बनाने के लिए छत में गए, फ़ोन वही मेरे फ़ोन की दिक्कत है जो हमेशा की तरह कि फ़ोन हैंग हो जाता है। बड़ी मुश्किल से एक रील बनी, नीचे आके चेक किया तो उसमें वॉइस ही नहीं आ रही थी, और वो भी बहुत बेकार बनी थी, बहुत कैमरा मतलब हैंग हो रहा था, तो सही नहीं बनी। पता नहीं ये मेरे फ़ोन में क्या दिक्कत है, और एक ही साल हो रहा है इस फ़ोन को, इतना टाइम भी नहीं हो रहा है जो इतनी दिक्कत कर रहा है। कभी भी ये वाला फ़ोन मत लेना, वन प्लस फ़ोन बहुत बेकार फ़ोन है। और फिर उसके बाद हम नीचे आए, थोड़ा सा रेस्ट किया, फ़ोन को थोड़ा स्विच ऑफ किया, उसके बाद जाके दक्ष की एक रील बनी बड़ी मुश्किल से, और एक रील मैंने भी बनाई अपनी, बड़ी मुश्किल से बनी है वो भी, उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, उसमें भी हैंग हो रहा था। इसका कैमरा अगर हम 5 मिनट भी ऑन करते ना तो हीट करने लग जाता, 5 मिनट तो बहुत दूर होता है, रील तो 30 सेकंड की होती है, बन जाती है, बट बहुत ज़्यादा हैंग होता है, बहुत ही ज़्यादा, बड़ा बकवास कैमरा है, मूड बहुत ख़राब हो जाता है। हम लोग इतना तैयार व्यार होके गए थे बढ़िया करके, रील बनाएंगे करके, बट यही हो गया। ऊपर छत में इतनी अच्छी लोकेशन थी ना रील बनाने के लिए, फिर हमें रूम के कमरे के अंदर ही बनानी पड़ी, क्योंकि छत में वैसे ही धूप हो रहा था, हीट हो रही थी बहुत ज़्यादा, और फिर और ज़्यादा हैंग हो रहा था, इसलिए हमने रूम में ही बना ली। जैसी भी आप लोगों ने देख ली होगी बताना, और आप लोग भी रील बना के हमें मेंशन जरूर करना, कविता कार की, दक्ष कार की, पप्पू कार की, तीनों में से किसी को भी, या ममता आर्या या राकेश पनेरू, किसी को भी मेंशन जरूर करना, तभी जाके रील हम तक पहुंच पाएगी, तभी हम देख पाएंगे, तभी वो इस रील को हम शेयर कर पाएंगे, तो ऐसा जरूर करना। चलो बेटा याद करके आना है हिंदी का, चलो बाय, जल्दी याद करके आना है, बाय कर दे। लक्ष्य दे गया है, और मैं अब चाय बना के चाय पीती हूँ, सुबह पी थी मैंने चाय, उसके बाद से आज चाय नहीं पिए कुछ भी, पानी पिया था, और लौकी 2 दिन से मैं आपसे बोल रही हूँ लौकी का जूस बनाना, वो लौकी भी ख़राब हो गई, मैंने जूस भी नहीं बना पाई उसका कल शाम को भी, क्योंकि हम लोग बाहर चले गए थे, इसलिए चाय मैंने यहाँ पर अपनी रखी हुई है, डिम में रखी थी, अब तेज़ कर देती हूँ गैस। अब शाम की सब्जी का सोचना है क्या बनाना है, बैंगन बनाते हैं, बैंगन ही बनाएंगे क्योंकि शिमला मिर्च तो इनमें पुलाव में डाल के हमने बना दिया था, तो वही बनाएंगे फिलहाल। और मौसम अभी ऐसा हो गया बारिश के जैसा, बट बारिश हो नहीं रही है, गर्मी हो रही है, अभी थोड़ी देर में धूप आ जाएगी, कभी बारिश कभी धूप, बारिश के जैसा कभी धूप के जैसा, ऐसी धूप छाँव वाला ही मौसम हो रहा है। चाय पी लेते हैं पहले आराम से बैठ। रात के करीब 9 बजने वाले हैं, मैंने खाना खा लिया है, दक्ष खा रहा है अभी खाना, और आज हमारा गाना रिलीज़ हुआ है तो उसकी शेयरिंग में मैं लगी हुई थी, उसके पीछे लगी हुई थी बहुत ज़्यादा, आप लोगों को दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए, ये है हमारा सुंदर सा गाना जो रिलीज़ हो चुका है पप्पू कार की यूट्यूब चैनल में, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने नहीं देखा है देखिए, और इसमें बहुत सारी सारी रील्स बनाइए, और हम लोगों को मेंशन भी कीजिए, बहुत सुंदर गाना है जिसको मेरे हस्बैंड ने ही लिखा है, बहुत ही प्यारा गाना है। तो यही गाना जो है ना मैं शेयर करने में लगी थी, सब लोगों को यहाँ वहाँ पोस्ट करना था, सबको बताना था कि गाना रिलीज़ हो चुका है। खैर जब तक वीडियो आएगा तब तक तो गाना रिलीज़ हो चुका होगा, वीडियो थोड़ा सा लेट आएगा, तो अगर आप लोगों को गाना अच्छा लग रहा है तो आप लोग रील बना सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब में, और हमें बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। बहुत पुराना गाना है, मेरे हस्बैंड ने बहुत साल पहले लिखा था, तो उसको मैंने थोड़ी सी मेहनत करके थोड़ा सा उसको बनाया है, गाने को तैयार किया है ताकि उनके लिखे हुए शब्द आप लोगों तक पहुँच सकें। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो को भी मैं एंड करती हूँ, अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हमारे यूट्यूब चैनल को, जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करना, जो लोग पुराने हैं वो शेयर ज़रूर करना। कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, एंड गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।